सो गाइस, आज मैंने आप लोग का रिक्वेस्ट पूरा किया। रिक्वेस्ट में था कि मैं सोप आई मीन्स लाइक फेस पे अप्लाई करूँ डायरेक्टली। जो भी मेरे प्रीवियस हेयर वॉश के वीडियो थे या फिर फेस वॉश के वीडियो थे, तो उस पे वो कमेंट्स आते रहते था। तो जब वो कमेंट्स में क्या ना, वो जो पुराने वीडियो हो जाते हैं उस पे कमेंट आते हैं, तो मैं सोची कि क्या करूँ, फाइनली बना ही देती, क्योंकि इधर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसको लेकर के मैं वीडियो भी शूट नहीं करती हूँ। बट हाँ, जो भी हो जैसे भी हो, मैं जब हेयर वॉश वगैरह करती हूँ तो आप लोग का जो कमेंट्स आता है ना, उसको मेरे ध्यान में ही रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज बना ही देती हूँ। तो था कि मैं डायरेक्ट शैम्पू को अप्लाई करूँ अपने बालों पे, और एक्चुअली शैम्पू में ना, सॉरी वाटर में थोड़ी शैम्पू था, तो मैंने थोड़ा सा वाटर मिक्स कर दिया था ताकि ईजिली स्प्रेड हो जाए, क्योंकि जल्दी निकलता नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है ना। और मैं यहाँ पे शैम्पू कर रही हूँ, देख कितने अच्छा झाग आया है। फिर भी मैं दो बार शैम्पू करती हूँ, चाहे कितना भी अच्छा झाग आए, मेरा मन ही नहीं भरता, मैं दो बार जरूर शैम्पू करूँगी। और अब देखिए, मैं इस तरीके से साफ, क्योंकि मैंने बालों में लगाया था तेल, तो बहुत ज़्यादा तेल लगने के कारण ना, मुझे लगता है जैसे कि शायद साफ़ नहीं हुआ होगा, शायद साफ तेल नहीं निकला होगा, तो मेरा माइंड में ना, मेरे माइंड में ऐसा रहता है। तो मैं दो बार ज़रूर अप्लाई कर लूँगी, और सेकेंड बार में बस थोड़ा सा शैम्पू डालने से ही फेल होता है, तो मुझे फील हो जाता है कि हाँ भाई अब साफ हो गया है। और मैं यहाँ पे मग से अपने बालों के शैम्पू लगे तो वो कर रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा क्या बोल रही हूँ, मैं पता नहीं मैं कैसे बोल पाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम लिमिट कम होता है ना, मैं जो बात करना चाहती हूँ वो कभी कैसा होता है ना कि मैं वॉइस ओवर दे देती हूँ, रह जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले बात कर लूँ। अगर इस आप लोग का रिक्वेस्ट था कि मैं अपने फेस पे डायरेक्ट सोप अप्लाई करूँ और कौन सा लक्स था, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं ये सभी जो भी परफ्यूम वाला सोप होता है ना, वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ गाइस। और मैं जो भी यूज़ करती हूँ वो मेडिकेटर या फिर पतंजलि का यूज़ करती हूँ, कोई भी ब्यूटी सोप यूज़ नहीं करती हूँ मैं, नहाने के लिए भी नहीं करती हूँ। तो मैं यूज़ करती हूँ पतंजलि का ही, क्योंकि कम से कम उसमें उस साबुन में केमिकल्स तो नहीं है। और उसको मैं फेस पे भी अप्लाई करती हूँ। मैं जब से मुझे किसी ने कहा कि पतंजलि का सोप है ना, कोई भी सोप उठा ले उसको मैं फेस पे लगा, तुझे बिल्कुल ऐसा लगे जैसे तू फेस वॉश लगाई हो, तो बिल्कुल वैसा ही तुझे फील होगा, तुझे कोई कोई फ़र्क नहीं लगे। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, सच में गाई मैं भी हल्दी वाला अपने बॉडी पे लगाती हूँ, उसको फेस पे भी लगाई, मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैंने फेस वॉश लगाया है, थोड़ा भी रूखापन नहीं। तो मैंने कहा चलो सही है तब, और मैं सोप ही अप्लाई कर लेती हूँ फेस पे, इतना टाइम होता कहाँ है, क्योंकि मैं अब फेस वॉश अलग से अप्लाई करूँ, फिर बॉडी पे सोप अलग से अप्लाई करूँ, फिर बालों में शैम्पू। तो मैं ये देखो, ये वाला है, ये है टर्मेरिक वाला हल्दी वाला सोप है, आप लोग भी ट्राई करना, फेस पे बहुत अच्छा है और बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, या फिर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं दिखे, बिल्कुल डव जैसे होता है ना साबुन या फिर कोई फेस वॉश लगाते हैं, कितना स्टिकी सा, कितना सॉफ्ट सा होता है, बिल्कुल वैसा ही है। और मैं इसी सोप को अपने बॉडी पे भी अप्लाई करती हूँ और फेस पे भी अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग का था रिक्वेस्ट में आँख बंद करके फेस पे झाग वाला आई मीन सोप से फेस वॉश करूँ। तो फाइनली मैंने आप लोग का ये रिक्वेस्ट आज पूरा किया है, प्लस इंडिया स्टाइल बाथिंग जो आप लोग का हमेशा रिक्वेस्ट रहता है, वो मतलब आप लोग के साथ में शेयर करूँ। तो जैसे कि इस अगर रिक्वेस्ट जैसा होता है ना कि अगर इंडियन सेल बाथिंग का चाहिए, तो इसी टाइप के वीडियोस पे आप लोग देते हो, तो मुझे तो वो क्या बोलते हैं, कभी दिखा कभी नहीं दिखा, बट जो लेटेस्ट वीडियो होता है ना, आप उसमें